पांच वनडे सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ पांच टेस्ट मैच की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। बता दें कि टीम इंडिया में विराट कोहली की बतौर कप्तान वापसी हो रही है, क्योंकि उन्हें एशिया कप में ब्रेक लिया था। इसके अलावा ऋषभ पंत को वनडे में डेब्यू करने का मौका मिलेगा, उन्हें बतौर बल्लेबाज टीम में मौका दिया गया है, जबकि विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी MS धोनी के हाथों में ही रहेगी। इसके अलावा एशिया कप में शानदार प्रदर्शन को देखते हुए रविंद्र जडेजा को भी पहले वनडे में मौका मिला है। तो वहीं तेज गेंदबाज उमेश यादव और मोहम्मद शमी की भी सीमित ओवर क्रिकेट में वापसी हुई है। यह दोनों तेज गेंदबाज रविवार को कैरेबियाई टीम की शुरुआत बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। टीम इंडिया ने ओपनिंग की जिम्मेदारी शिखर धवन और रोहित शर्मा के कंधों पर ही एक बार फिर सौंपी है। तो वहीं मिडिल ऑर्डर में KL राहुल के हाथ काफ़ी निराशा लगी है, क्योंकि उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला है। तीसरे क्रम पर कप्तान कोहली और चौथे क्रम पर अंबाती रायडू खेलते हुए नजर आ सकते हैं। फिर पंत और MS धोनी पिच हिटर की भूमिका में नजर आएंगे। स्पिन विभाग की जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल के कंधों पर रहेगी। तेज गेंदबाजी का जिम्मा उमेश यादव और मोहम्मद शमी के कंधों पर रहेगा। अब यह मैच के समय ही पता चलेगा कि खलील अहमद को अंतिम एकादश में मौका मिलेगा या नहीं, जिसकी उम्मीद कम ही नज़र आ रही है। उनके नाम बता दें कि टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में जो नाम शामिल हैं वो इस प्रकार हैं: कप्तान विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, उपकप्तान अंबाती रायडू, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, उमेश यादव, मोहम्मद शमी और खलील अहमद। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से फरुण की रिपोर्ट।